गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज की आखिरी क्लास है। कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने अपने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट किया, उसने सबसे पहला आंसर कमेंट किया सैली सैनी ने, फिर आकाश रावत और थर्ड नंबर पर यशपाल बघेल ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उसमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या है? ये कल के होमवर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 1500 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लड़कियाँ कितनी हैं? 44%। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर 44% गर्ल्स हैं तो बॉय कितने होंगे? बॉय होंगे 56%। तो मैं 1500 का क्या निकाल लेता हूँ? 44%। तो आप देखेंगे 1500 का 44% निकालेंगे तो 44% के लिए नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 चौके 60 की 0, हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 660। 660 अगर आप देखेंगे गर्ल्स हैं तो बचे हुए क्या होगा? 840 कौन होंगी? बॉय। ठीक है ना? तो अब आप देखिए प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540 रुपये। तो लड़के की फीस है 540 रुपये। ठीक है, और जो लड़की की फीस है वो लड़के की फीस से 25% कम है। मतलब ये जो फीस है 540, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% है तो ये 540 है, और 1% का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा? 540 अपॉन में 100, लेकिन हमें चाहिए 75% का मान, 75। क्यों? क्योंकि बोला गया 25% लड़की की फीस क्या है? कम है। इसका मतलब उसकी कितनी होगी? 75%। तो आप देखेंगे 25 से काटेंगे ये 3 बार, 25 से काटेंगे ये 4 बार, 4 एकम 4 कितना बचा? 1, 4 3 12 और 4 5 20, 135 × 3, ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, कैरी 1, 3 से 9 और 1 10, 3 एकम 3, यानी ये कितना आएगा? 405। तो अब आप इसमें 405 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप एक तरीका तो ये है कि इसका पूरे का मल्टीप्लाई करें, इस पूरे का मल्टीप्लाई करें फिर उसको योग को जोड़ें, या फिर आप इसे यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर तो 2 जीरो आने वाली है लास्ट में, और यहां पर भी आप देखेंगे 5 से 6 कितना होगा? 30। तो आप देखेंगे यहां पर भी 2 जीरो आएंगी। अब आप बताइए 5 से 6 30, कैरी कितना आएगा? 3। कैरी कितना आएगा? 3। ऐसे ही कितना होगा? 4 से 4 16, 16 आपका लास्ट डेट क्या है? 6। 6 और 3 कितना होगा? 6 और 3 कितना होगा? 9। तो आपका लास्ट का डेट क्या होना चाहिए? 9। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने इसको यूनिट प्लेस से किया। आप इसे चाहते तो पूरा भी कैलकुलेट करते, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होता। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन को, तो क्या बोला गया था? 1500 छात्र थे जिसमें लड़कियाँ 44% थी। तो ये लड़कियाँ हैं तो बचे हुए लड़के होंगे, और लड़कों की फीस 540 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बोला गया है कि जो लड़की है उसकी फीस लड़के की फीस से 25% कम है। मतलब जो लड़की की फीस है वो कितनी होगी फिर? 75%। तो ये जो 540 है ये 100% का मान है, तो 1% का मान कितना आएगा? इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और यूनिट प्लेस से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे, एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से दोगुनी है और एक केले की कीमत एक अमरूद की तुलना में 25% कम है। देखिए, ये एक एप्पल है, एक ये सेब है, फिर ये बनाना है और ये एक अमरूद है। तो आपको क्या बोला गया है कि एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। तो अगर मैं इसको 100% मान लेता हूँ अमरूद को, तो इसको कितना मानूंगा अगर 25% कम होगी? तो आप बोलेंगे सर 75%। फिर आगे की लाइन जब हम पढ़ते हैं तो सेब की कीमत एक केले की तुलना में दोगुनी है, तो ये दोगुनी है तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये 150 हो जाएगी इससे, लेकिन इसको रेशियो पर देखेंगे तो 25 से काटते हैं, 25 से ये कितनी बार जाएगा? तो आप देखेंगे 25 से ये 6 बार, 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, ये इसका रेशियो बन गया। तो अब आपसे बोला गया है कि तदनुसार हर फल की कीमत 10% बढ़ जाए।
तो इसका 10% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए, एक जीरो और एक जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने कई क्लास में बताया कि आप बराबर बराबर तरीके से जीरो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब इसका 6% बढ़ेगा, तो 6% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 6, ये बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, 3, और ये बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4। क्यों? क्योंकि 10% क्या होता है, आप पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो ये इनकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हो जाए तो 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूदों की कीमत कितने परसेंट बढ़ेगी। देखिए इस लाइन से हमें इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कीमत तो एक फल की अगर 10% बढ़ रही है तो 4 सेब की भी 10% ही बढ़ेगी, तो इसलिए इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब आप देखेंगे कितनी बढ़ रही है, 6 और 4 10 और 3 13, यानी ये 13 बढ़ गई। कितने पर? आप इस इन सब का टोटल लगाएंगे तो ये कितना होगा, 130, 130 बढ़ी है। कितने पर? तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 1/10, और 1/10 क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेब की कीमत 1 केले की दोगुनी है। तो जब भी कभी आपको 3 कंपैरिजन दिए हों, 3 इक्वेशन दिए हों, तो आप पीछे से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे बोला गया था, एक केले की कीमत एक अमरूद की कीमत की तुलना में 25% कम है, तो अमरूद की क्या मान सकता हूँ मैं, तो कम से कम परसेंट में 100 ही तो मान सकते हैं। और जब इसकी केले की कीमत अगर 25% कम होगी तो ये कितनी होगी, 75। अब आप देखेंगे कि जो सेब की कीमत थी वो केले की तुलना में कितनी थी, 2 गुनी, तो ये 150 हो जाएगी। रेशियो पर तोड़ा और उसका परसेंट निकाल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया एक्स के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद सकता है, तो बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। तो गिरावट कितनी आ रही है, गिरावट आ रही है 25% की। 25% का मान कितना होता है, 25% का मान हम सभी जानते हैं, 25% का मान होता है 1/4। ठीक है, यानी 4 पर 1 की गिरावट। तो अगर आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस पहले 4 थी, तो अब कितनी होगी, 3। और अगर ऐसा होता है तो कंजम्पशन को हम उल्टा कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा, 3 से 4। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। मतलब पहले आप कितने अंडे खरीद रहे थे, 3 दर्जन, अब कितने खरीद रहे हैं, 4 दर्जन। तो आप देखेंगे कितने ज्यादा खरीद रहे हैं, आप कहेंगे सर 1, पर ये 1 नहीं था, कितना था, 2। 1 किसके बराबर है, 2 के। तो एक पेन की कीमत अगर 2 है, तो अब आपसे पूछा गया मूल रूप से, यानी ओरिजिनल, ध्यान रहे ओरिजिनल अगर पूछा जाए तो ये होता है, और अगर करंट की पूछा जाए वर्तमान तो ये होता है। तो एक पेन की कीमत अगर 2 है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 पेन की कीमत होगी 6, यानी वो अंडे कितने थे, 6 दर्जन। कितने रुपए में खरीदे हैं, 162, तो 162 में अगर 6 दर्जन खरीदेंगे तो 1 की रेट आएगी, 6 दूनी 12, कितने बचे, 4 6 7 42, तो आंसर आएगा 27 रुपये प्रति दर्जन उसकी क्या है, कीमत है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है। तो अब आप देखिए 21% की कमी हो रही है, मतलब प्राइस पहले कितनी थी, 100, तो अब 21 कम हो जाएगी तो कितनी होगी, 79। तो कंजम्पशन को हम क्या कर देंगे, 79 और ये 100। तो आप देखेंगे पहले कंजम्पशन 79 था, अब कितना हो गया, 100, कितना अधिक हो गया, तो आप कहेंगे 21, पर ये 21 नहीं है, कितना है, 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो 21 यूनिट का मान कितना है, 3, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3/21 और यानी 1/7। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया वस्तु की घटी हुई कीमत। देखिए घटी हुई कीमत तो मैंने आपको बताया ये होती है, ठीक है ना, और ओरिजिनल पूछे तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, 100/7। तो आप देखेंगे 100 रुपये में कितना, 100/7, ये 7/7 को मैं यहाँ ना लिखते हुए डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ, तो 100 से 100 कट गया, तो उसकी कीमत कितनी आ गई, 7 रुपये पर kg घटी हुई उसकी कीमत आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है किसी उपकरण की कीमत प्रति वर्ष 20% घटती है,
तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितने परसेंट कम हो जाएगी? देखिए, 20% घटती है का मतलब क्या होता है? 20% का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 1/5, यानी 5 पर 1, यानी वो कीमत 5 से कितनी होगी, 4। ये 1 साल का है, अगले साल फिर कीमत 20% घटेगी तो 5 से 4, फिर अगले साल घटेगी तो 5 से 4, ठीक है? तो आप कहेंगे 3 साल में वो कीमत कितनी घट गई, तो 5 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये कितना आएगा, 125, और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 64। अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आएगा, 36। 36 और 25 कितना होता है, 61। 61 कम हो गई। अब कोई चीज़ कम क्यों होती है, तो आप जानते हैं वो होती है 125 ज़्यादा पर। परसेंट के लिए क्या कर दें, 100 से, तो 25 से काटेंगे ये 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, 4 से 6 24, तो ये कितना हो गया, 200, और ये कितना हो गया, 5, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 बचे, तो ये 44, 5 अट्ठे 40। अब पॉइंट लगेगा, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ही हमारा आंसर हो गया। एक तो ये तरीका था, एक तरीका इसमें यह भी था कि अगर दर आपकी एक ही रहती है, समान रहती है दर, तो आप क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए, तो आप उस क्वेश्चन के लिए ये कर सकते हैं कि वो प्राइस कितनी थी, 5 से 4। अगर आपकी बार बार दर नहीं बदल रही हो, दर एक ही है आपकी 20%, तो 3 साल का मामला है ये, तो 3 साल का मतलब होता है इसका क्यूब कर देंगे आप, ठीक है ना, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो भी आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 125, ये कितना होगा, 64, तो यहाँ से कमी देखेंगे तो 61 की कमी है 125 पर। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। 3 साल का क्यों किया, क्योंकि 3 साल इसका क्या था, 3 साल इसका टाइम था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आप देखेंगे 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, मतलब 900 में कितने प्राप्त किए, 72%, तो 900 का 72% कैसे निकाल देंगे, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी आप कहेंगे उसने 644 अंक प्राप्त कर लिए। और बोला गया दूसरे विषय में 700 में से 80% अंक प्राप्त किए, तो यानी 700 का निकालेंगे कितना, 80%, तो 700 का 80% तो आप सभी जानते हैं कितना होने वाला है, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 8 56, यानी 560। तो आप कहेंगे सर 560 तो इसमें आ गए, तो टोटल नंबर आ कितने गए, 8, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12। तो अब आपको बताया 1208 नंबर उसके आ चुके हैं, कितने में से, अब आपको बताना है परसेंट कितनी बनी, तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16, यानी 16 में से परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटेंगे, 4 3 12 0 और 4 2 8, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से फिर इसे काटेंगे, 4 7 28, फिर 2 बचे तो ये 22, 4 5 20, है ना। तो अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग के कुछ आंसर आने वाला है, और वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं, परसेंट पूछा था ना, ये पूछा था कि 900 में से अगर एक व्यक्ति ने इतने परसेंट अंक हासिल किए और 700 में से एक व्यक्ति ने इतने अंक हासिल किए, तो ओवरऑल उसकी परसेंट कितनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन और दिया है कि एक परीक्षा में 3 विषय जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी है, जिनमें अधिकतम अंक क्रमशः इसका 100, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में कि जो बायोलॉजी है तो ये बायोलॉजी है, BIO बायोलॉजी, फिर है आपकी वनस्पति, यानी उसको बोलते हैं अगर अपन देखें तो बॉटनी, तो ये बॉटनी हो गया, और ये आपकी क्या है, जूलॉजी। तो इनके मैक्सिमम मार्क कितने हैं, मतलब इनका जो पेपर है वो कितने नंबर का है, तो ये बायोलॉजी का पेपर 120 नंबर का है, और 140 नंबर का आपका बॉटनी का है, और 100 नंबर का जो पेपर है वो आपका क्या है, जूलॉजी का है, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोला गया है, इन विषयों में क्रमशः 40, 55 और 45% अंक प्राप्त करता है एक व्यक्ति, तो अगर इसमें 40% अंक हासिल करेगा तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10% तो कितना आएगा, 12, अगर 10% 12 है तो 40% कितना होगा, 4 गुना, यानी 12 चौके 48, तो 48 इसमें आएंगे उसके अंक। दूसरे विषय में उसमें कितने किए, 55%, तो 55% किए तो 140 का 55% आप निकाल लेंगे, 55/100, तो 5 से काटेंगे तो ये 11 बार, 5 से काटेंगे ये 20 बार, और 20 से काटेंगे ये कितना, 7, तो 11 से 7 कितना,
77, यानी 77 नंबर तो इसमें आ जाएंगे। और 45% अंक उसने किस में हासिल किए हैं, तीसरे वाले सब्जेक्ट में, तो इसका 45% तो डायरेक्ट दिख रहा है, 100 का कितना होगा 45, यानी ये अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो अब आप देखना चाहते हैं ये टोटल अंक कितने हो रहे हैं, तो टोटल आप जोड़ देंगे तो ये कितने होने वाले हैं, तो 8 और 7 15 और 5 20 की 0, तो हासिल कितनी 2, तो 4 और 2 6 6 और 7 13 13 और 4 17, यानी 170 नंबर उसके आ गए, ठीक है ना, 170 नंबर उसके आ चुके हैं। तो अब आप देखेंगे उसको बोला गया है यदि वह चारों विषयों में 60% अंक हासिल करना चाहे तो उसे गणित में जिसके अधिकतम 180 अंक है, मतलब जो गणित का पेपर है वो 180 का है, तो उसमें कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो अब आप बताइए ओवरऑल 60% प्राप्त करना चाहता है तो पहले तो टोटल देखते हैं, तो आप देखेंगे ये कितना होगा 12, अब तो इनको सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए ये एक तरफ से जोड़ लेते हैं 120 और ये कितना होगा 140, तो ये हो गया आपका 260 260 360 360, और ये कितना हो गया 180 360 400 560, यानी 540 अंकों का आपका पेपर है। इसका 60% का मतलब होता है 3/5, तो 5 एकम 5 0 लगाई 5 8 40, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 8 24 और 3 एकम 3, यानी 324 अंक आने हैं उसके टोटल, आ कितने गए हैं 170, तो बचे कितने 4, 12 में से 5 5 के 7 गए कितनी 5 और ये 1, मतलब उसको कितने अंक और लाने हैं 154 अंक प्राप्त करने, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बायोलॉजी में उसके कितने परसेंट अंक आए 48, ठीक है, बॉटनी में इतने और जूलॉजी में इतने, इन तीनों को जोड़ा तो ये 170 अंक आ गए। तो अब वो पूछना चाह रहा था कि एक व्यक्ति अगर 60% बनाना चाहे अपनी टोटल, तो कितने और नंबर जो मैथ का अगला पेपर है 180 का, उसमें कितने अंक लाने होंगे। तो हमने क्या किया, इन चारों पेपरों के योग को जोड़ा और इनको जोड़ा, तो इसका 60% निकाला जो कितना आया 324, 324 में अगर 170 नंबर आ गए तो बचे हुए नंबर कितने हैं 154, जो वो मैथ में प्राप्त करेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की वार्षिक आय का 25% बी की वार्षिक आय के 80% के बराबर है, यानी आप देखेंगे कि ए की वार्षिक आय का 25% परसेंट नहीं लगा रहा हूं मैं ना, बी के 80% के बराबर है, तो मैं यहां से 0 से 0 काट देता हूं, सॉरी 0 से नहीं 5 से काटते हैं तो ये 16 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 16 और 5 से काटेंगे तो ये 5, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन बी हो जाएगा 16/5, ठीक है, ये रेशियो बन गया। आगे बोला गया कि बी की मासिक आय सी की मासिक आय का 40% है, तो अब आप देखेंगे बी की जो मासिक आय है वो सी की मासिक आय का 40% है, सी की मासिक आय का 40% का मतलब होता है 2/5, तो सी को इधर लाएंगे तो बी अपॉन सी कितना बन जाएगा 2/5। अब आप देखिए ए 16 है, बी 5 है, यहाँ बी 2 है और सी 3 है, तो बी तो एक ही है, तो बी को हम बराबर करेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और यहां कितने का कर दे 5 का पूरी इक्वेशन में, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि ए बी सी का रेशियो बना लेते हैं, तो ए और बी का रेशियो कितना है यहां 16:5 और बी और सी का कितना है 2:5, तो 2:5। अब आपको पता है ये जो खाली जगह है ये इसके पड़ोसी से इसको भर देंगे ये, तो आप देखेंगे ये कितना होगा 16 × 32 5 × 10 और 5 से 25, तो ये जो 25 है सी का मान ये लिखा है ना, यदि सी की मासिक आय 6 लाख रुपए है, यानी इस 25 का मान कितना है 6 लाख रुपए, तो इस 25 का मान अगर 6 लाख रुपए है तो आप देखेंगे 25 से काटेंगे 25 × 50 कितने बचे 10, 25 × 24 100 और 3 0 लग गई, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 24,000, तो हमें एक ही इनकम चाहिए लास्ट में, तो ए का मान कितना है 32, तो आप देखेंगे कितना होगा ये 4 × 8, यानी अगर आप यूनिट प्लेस से भी करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है डी, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हमने कर ली। आई होप कि आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया तो त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, मतलब एक कोई तार था हमारे पास या कुछ भी था उसको हमें 1.50 मीटर मापना था,
लेकिन वो गलती से मापा कितना गया, 1.55 मीटर। तो आप देखेंगे कितना ज्यादा मापा गया है, तो आप कहेंगे सर 0.5 मीटर, कितने पर, 1.5 मीटर पर, परसेंट के लिए क्या कर दें, जीरो। तो आप देखेंगे कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट तो ये कट जाएगा, पांच से ये कितनी बार, तीन बार, और तीन से इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा, यहां पर जीरो भी था है ना, तो यहां पर एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो 3/10 है ना, 10/3, 10/3 का मतलब क्या होता है, 3 सही 1/3%। ठीक है ना, आई होप कि आपको यहां तक के ये क्वेश्चन समझ में आए। आज ये आपका परसेंट कंप्लीट हो चुका है, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत, और इस परसेंटेज का जो टेस्ट है वो आपका अगले ही संडे, इसी संडे को हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।